आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीमा के दस्तरखान के साथ मैं हाजिर हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, आपका दस्तरखान हमेशा भरा रहे। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का मखनी हलवा, और एक मैं मलाई से आपको घी बनाना भी बताऊँगी, उसी से मैं हलवा आपको बनाना सिखाऊँगी। तो उसके इन्ग्रीडियंट्स नोट कर लें हलवे के, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सूजी लिए मैंने एक कप भर के, एक पाव के जितनी लिए 250 ग्राम। चीनी लिए मैंने 1.5 कप, यह हस्ब जायका ले सकते हैं, चीनी आप अपनी हस्ब जायका ले सकते हैं, बादाम पिस्ते हस्ब जायका ले सकते हैं। इलायची लिए मैंने 5 से 6 अदद, इसको मैं कूटूंगी, बारीक पाउडर बना लूँगी। और खोपरा लिया मैंने 1/2 कप, यह हस्ब ज़रूरत, आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, अखरोट जो दिल चाहे आप इसमें मेवा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सूजी को भून लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर पहले हम सूजी डाल के भूनेंगे। पूरी 1 कप मैंने सूजी ली है, इसको मैं भूनूंगी। अच्छा ये भून गई है तकरीबन, कलर चेंज हो गया है इसका, अब बस इसको मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा ये इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, सारी पतीले में मैंने डाल दिए। अच्छा अब इसके अंदर मैंने 3 कप भर के मैंने इसके अंदर दूध डाल देना है। तो भिगो देंगे हम 2 से 3 घंटे, हम इसको भिगो देंगे। जितनी देर ये भीगेगा अपना अच्छा हल्का सा नीम गर्म दूध हो वो हम इसके अंदर डाल के इसको भिगो देंगे। 3 कप मैंने डाल दिए, तो मेरे कप में पूरा भरा नहीं, तो ये पूरा 3 कप हो गया, बस इसको भिगो दूंगी मैं। अच्छा मैंने मलाई ली है, इसके अंदर मैंने मलाई डाल दी कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 कप की जितनी मलाई है और मैं इसके अंदर कढ़ाई में डाल रही हूँ। इसको मैं चूल्हा मैंने जला दिया इसके नीचे, अब इसको हम इसका घी निकालेंगे। और जब इसका खोया बनेगा तो हम इसको घी निकल जाएगा, इसका जो खोया बचेगा वो भी मैं इसके अंदर हलवे में डालूंगी। जब तक वो भीग रहा है, जब तक हम इसका ये तैयार कर लेते हैं, घी निकाल लेते हैं इसका। इसको मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं, हल्की आँच पर इसको, हल्की दरमियानी फ्लेम पर इसको, हमें इसको चमचा चलाते रहना है। ये देखें घी निकल आया इसका, ये भुन गई है। मैं इसको चूल्हा बंद कर देती हूँ और मैं इसका बस घी निकाल लेती हूँ। इस तरीके से हम घी निकालेंगे चमचे से, इसको इस तरह से आड़ा कर लेंगे कढ़ाई को, इस तरह निकाल लेंगे घी इसका सारा। इसको सारा घी हम इसके अंदर डालते जाएंगे छन्नी से। अच्छा ये मैं खोया निकल गया, ये मैंने घी निकाल लिया जितना निकला इसके अंदर से, और ये जो खोया है बच गया है, जो उसका बच गया था मिक्सचर, ये खोया बन गया है। ये 1 कप के जितना, ये भी 1 कप के जितना निकल गया है। सूजी मैंने दूध में भिगोई थी, ये देखें ये सब सूजी है। अब आइए स्टार्ट करते हैं, आगे क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। अच्छा इसके अंदर थोड़ा मैंने घी डाला है कढ़ाई, उसी कढ़ाई में, और ये जो सूजी का मिक्सचर मैंने बनाया था दूध में भिगोई थी, ये सारा का सारा मैं इसमें डाल दूंगी। दूध का मिक्सचर है ये, इसके अंदर ये भी डाल दिया मैंने। इसको हम भूनेंगे, इसको हमें भूनना है। इसको सूजी को कम से कम 2 घंटे हो गए थे भीगे हुए, अब 2 से 3 घंटे इसको भिगो दिया था। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया घी में, थोड़ा घी डाला है मैंने, मैंने घी डाला है उसके अंदर, ये मैंने सूजी और दूध का मिक्सर डाल दिया। 2 घंटे हो गए थे इसे भीगे हुए, हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहेंगे। जैसे दूध ये खुश्क होगा तो मैं इसमें चीनी डालूंगी। अच्छा ये ड्राई होने शुरू हो गया, अब इसके अंदर मैंने चीनी डाल देंगी। आप चीनी अपने हद से ज़रूरत ले सकते हैं, मैंने 1.5 कप लिए, आप देखिएगा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें इलायची पाउडर है ये भी मैं डाल दूंगी, 1/2 चाय का चम्मच। अच्छा इसके अंदर हम खोया डाल देंगे, लेकिन जैसे ही भुन रहा है तो हम इसके अंदर खोया डाल देंगे। किशमिश है तो आप थोड़ी किशमिश डाल दें, थोड़े मैं ऊपर गार्निश के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा हमने इसमें घी डालेंगे अब, तो बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे। इसको 5 मिनट बस हम इससे भूनना है, बस ये रेडी हो जाएगा। अच्छा ये भुन गया है, बस हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसको डिश में निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। इसको बादाम मैंने कोकोनट पाउडर डाल दिया इसके ऊपर, और इसके ऊपर बादाम पिस्ते से गार्निश कर दिया है, चांदी वर्क लगा देते हैं। इसी के साथ लेते हैं इजाज़त, ज़िंदगी रही तो कल नई डिश के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।